राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाल ली है। उनके हाथों में पार्टी की कमान ऐसे वक्त में आई है जब कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। ये महज संयोग भर है कि साल 1998 में भी वो अध्यक्ष बनी थी, तब भी कांग्रेस की स्थिति खराब ही थी। हालांकि अपनी सियासी चाल के जरिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस को दो बार केंद्र की सत्ता में पहुंचाने में कामयाब रही। ऐसे में सवाल उठता है, क्या विपक्ष को फिर से एकजुट करने में कामयाब होंगी कांग्रेस अध्यक्ष? क्या राहुल राज में बिखरे विपक्ष को साध पाएंगी सोनिया गांधी? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि साल 2014 में 44 के मुकाबले भले ही राहुल गांधी ने पार्टी को 2019 में 52 सीटें दिलाई, मगर वो विपक्ष को एकजुट ना रख सके और ना ही यूपीए के सहयोगी दलों के बीच में उचित समन्वय कर उसे मजबूती दे सके। यही वजह रही कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर प्रभावी क्षेत्रीय दल कांग्रेस से अलग अपनी ढपली अपना राग अलापते दिखे। जानकारों के मुताबिक आज हिंदुत्व और कॉरपोरेट के गठबंधन की बुनियाद पर खड़ी बीजेपी का विपक्ष तभी मुकाबला कर सकता है जब उसके पास नए विचारों का औजार हो। जब तक विपक्ष नए विचारों को धरातल पर लागू करने की नई शैली नहीं अपनाएगा, तब तक बीजेपी और केंद्र सरकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। जानकारों की माने तो अध्यक्ष के तौर पर सोनिया और राहुल की तुलना तर्कसंगत नहीं है। राहुल कांग्रेस को समावेशी पार्टी बनाना चाहते थे, उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर इसकी शुरुआत करने की कोशिश की, नए दौर की नई पार्टी बनाने की दिशा में काम शुरू किया था। ये दीगर है कि वो ये नहीं कर पाए। जहाँ तक सोनिया की बात है तो आज के और 2004 के हालात अलग थे। तब सत्ता में वाजपेयी की अपने दम वाली बीजेपी सरकार नहीं थी, गठबंधन सरकार के कुछ फैसलों से जनता में निराशा थी। तब आज की तुलना में संघ का उतना ठोस और आक्रामक अभियान नहीं था। वहीं दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले क्षेत्रों की छवियां पहले इतनी खराब नहीं थी। इन सब समीकरणों ने तब यूपीए बनने की राह आसान कर दी, जिससे बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने में सोनिया गांधी को कामयाबी मिली, जबकि राहुल गांधी के समय बीजेपी प्रचंड बहुमत में सत्ता में थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सोनिया विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होती भी है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।